वेलकम गार्डन फ्लावर प्लांट में। ठीक है, ये कोई नया गार्डनर है, स्टार्ट करना चाह रहा है कोई भी प्लांट से, तो विस्कस का हाइब्रिड वेराइटी से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि देसी वेराइटी लेगा ना तो वो बहुत स्लो ग्रोथ होएगा और बहुत बड़ा होने के बाद में, कम से कम एक साल लेने के बाद में तुमको फ्लावर आएगा देसी वेराइटी में। हाइब्रिड वेराइटी में ना तुमको 3 महीने में ही है ना फ्लावर आने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, और उसको कैसा केयर करने का कंप्लीट केयर बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, डीएपी है ना, हर 2 मंथ में 60 डेज में एक बार, 60 दिन में एक बार, पॉट के 4 साइड में पेंसिल में होल कर लेने का, 3-3 इंच का होल कर लेने का, और 5-5 डीएपी डाल देने का उसमें, 5-5 दाना डीएपी डाल देने का 4 साइड में पेंसिल में होल करके, और वो होल बंद कर देना, कम से कम 3 इंच का होल चाहिए पेंसिल का होल, उसमें डीएपी डाल देना। ठीक है, ये हो गया डीएपी देने का तरीका, 60 डेज में एक बार डीएपी देने का। और पॉट साइज जो है 14 इंच रहना ही रहना चाहिए, 14 इंच जो पॉट का साइज है ना, पॉट का साइज 14 इंच तो रहना चाहिए, क्योंकि जब विस्कस का प्लांट जब ग्रोथ पकड़ता है ना तो ऊपर के तरफ उसके जो जड़े रहते हैं ना ऊपर के तरफ आने के लिए स्टार्ट कर देता है, वो जो रूट रूट का जो बॉल रहता है ना वो नीचे से ही फुल बॉन्डिंग जो रहती है, रूट बॉन्ड जो रहता है उसको बहुत पूरा कंप्लीट होना चाहिए उसको, उसके बाद में ही बहुत अच्छे से फ्लावर देने लग जाएगा। ठीक है, और उसका पानी भी है ना तुम 3 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार देना ही देना है उसको पानी, मगर उसका ऊपर का भाग है ना सूखा रहना चाहिए पानी देने के टाइम में, जब भी जाके वाटरिंग करो, या तो पेड़ है ना, प्लांट है ना, एकदम है ना ऐसा मुरझा सा लगेगा, जब भी जाके पानी देना चाहिए, और ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल भी मत करो विस्कस के प्लांट। ठीक है, मैंने भी स्टार्ट किया था ना तो जब भी ओवर वाटरिंग का बहुत प्रॉब्लम आया था मेरे को भी, अभी एकदम परफेक्टली ग्रो कर रहा है मेरे पास प्लांट और सक्सेसफुली, और एक एक प्लांट में है ना 6-6, 7-7 फ्लावर आ रहा है अभी, कम से कम प्लांट का साइज भी है ना, जो फूल का साइज भी है ना, कम से कम है ना 8-7 इंच ऐसा आ रहा है, ओनली डीएपी फर्टिलाइजर यूज़ कर रहा है और दूसरा कोई भी फर्टिलाइजर यूज़ नहीं किया है अभी तक मैंने। ठीक है, मेरे पास डीएपी फर्टिलाइजर है और एक टाइप का फर्टिलाइजर सी वीट फर्टिलाइजर है, वो भी ग्रेनुलर फॉर्म में, वो भी अभी जास्ती यूज़ नहीं किया है मैंने। ठीक है, इसका खास बात बताता हूँ, ये जो हाइबिस्कस जो प्लांट है नर्सरी से लेके आने बेटर है, कटिंग में क्या होएगा मालूम है, कटिंग सक्सेसफुल होने के लिए 1.5 से 2 महीना लगा देगा, नर्सरी में बहुत चीप में प्लांट मिल जाता है। ठीक है, 200-300 रुपये में हाइब्रिड का नर्सरी में बहुत अच्छा प्लांट मिल जाता है, नर्सरी से ही लेके आके है ना, नर्सरी में क्या रहता है सिलेक्शन रहता है, कटिंग में सिलेक्शन नहीं रहता है। ठीक है, सिलेक्शन मिल भी जाता है कटिंग में, मगर है ना कटिंग ग्रो करने के लिए ही 2 महीना चले जाता है, उसमें डीएपी फर्टिलाइजर में मेरा है ना प्लांट का ग्रोथ देखो और प्लांट फ्लावर का साइज देखो, बहुत अच्छा साइज आया फ्लावर, बहुत अच्छे से बोलेगा बहुत अच्छे से फ्लावर का साइज आया और बहुत सारा फ्लावर आ रहा है। ठीक है, फूल है ना बहुत सारा फूल आया, और पॉट का जब साइज लोगे ना 14 इंच का साइज लेना ही लेना, क्योंकि एक बार पॉट में सेट करेगा ना 2 बरस तो निकालना ही निकालना है, और 2 बरस में रूट बॉन्ड होके एकदम परफेक्टली प्लांट ग्रो करने लगेगा 14 इंच के साइज में। यार थोड़ा आदमी ऐसा बोलता है कि पॉट का साइज बड़ा नहीं रहना चाहिए, 6 इंच लोगे तो 8 इंच लेना चाहिए, 8 इंच लोगे तो फिर वो तुमको 6-6 महीने में रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये ऐसा है कि 2-3 साल तक इसको रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं, अगर 14 इंच का साइज का लोगे तो। मेरा तो वेस्ट बाल्टी में लगा हुआ है 14 इंच के इसमें, और 14 इंच के इसमें डीएपी कितना दाना देने का है बोलेगा तो 20 दाना तक दे सकते हो, 4 होल करो या 6 होल करो, मगर 20 दाना ही दो, उससे जास्ती मत दो,
क्योंकि वो डीएपी जो है ना बहुत गर्म रहता है, प्लांट को ना हीट कर देता है अगर जास्ती दो। बोल कितने भी बनाओ मगर 20 दाना ही देना है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट भी आएगा। और 60 डेज से पहला डीएपी यूज़ मत करो। अगर डीएपी यूज़ कर रहे हो बहुत सस्ता फर्टिलाइजर है, 30 रुपीज़ में 1 केजी मिल जाता है, उनको 1 केजी लेके आएगा ना एक साल तक चल जाएगा अगर 10-20 प्लांट। डीएपी दाने के हिसाब से ही काउंट करके ही देना चाहिए। हाँ मगर पानी में है ना, पानी में डाल के भी दे सकते हो डीएपी, अगर आधे चम्मच से जास्ती 1 लीटर पानी में आधे चम्मच से जास्ती नहीं डालना डीएपी, वो बहुत ठीक सकता है। क्यों मालूम है, जब फर्टिलाइजर का ओवर डोज हो जाएगा ना तो झाड़ को बचा नहीं सकते, प्लांट को बचा नहीं सकते, उसका बहुत बुरा असर रहता है। तो ये जो फर्टिलाइजर, जो इंग्लिश फर्टिलाइजर जो है जितना भी, उसका बहुत अगर ओवर यूज हो गया तो बहुत, अगर तुम सोचते हो क्या 20 दाना यूज करने के, अगर 15 दाना यूज करोगे तो चल जाएगा, अगर तुम 20 दाना यूज करने के इधर 25 दाना यूज करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाएगा प्लांट, वो प्लांट को फिर बचा नहीं सकते। तुम मट्टी चेंज भी करोगे ना, वो प्लांट एक बार जल गया तो है ना वो कंप्लीट अंदर से रूट बर्न कर देगा पूरा अंदर से। इसके लिए है ना थोड़ा ही फर्टिलाइजर डालो डीएपी का। ये फ्लावर प्लांट में बिल्कुल बिंदास डाल सकते हो डीएपी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा आदमी बोलता है कि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही यूज़ करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, फ्लावर प्लांट तो खाने का नहीं रहता है ना, अगर फ्लोटिंग प्लांट है तुम्हारे पास उसमें बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, और वेजिटेबल प्लांट है उसमें डीएपी बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। इसमें फ्लावर प्लांट में है ना ईजीली तुम डीएपी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी तक मैंने डीएपी यूज़ किया है, आने वाले टाइम में पूरा यूज़ करके देखने वाला हूँ, एनपीके भी लाने वाला हूँ, पूरा ट्राई करने वाला हूँ। मैं ट्राई एंड टेस्ट करने के बाद में आपको वीडियो डालूँगा। ठीक है, अभी तो आप बिंदास डीएपी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं 3 मंथ से डीएपी 3 मंथ में 2 बार डीएपी यूज़ किया है मैंने, और मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। और मेरे फ्लावरिंग प्लांट में देखो कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं, एक एक दिन में है ना 4-4, 5-5, 6-6 फ्लावर खिल रहे हैं, और वो भी बहुत बड़े साइज। वो भी रेनिंग सीजन है, जून का महीना है, फिर भी बारिश में अच्छा ग्रोथ होता है और अच्छा सेट हुआ है। न्यू कमर्स के लिए है ना हिबिस्कस प्लांट एकदम बेटर है। गुलाब का झाड़ क्या रहता है मुझे, उसका बहुत हाई मेंटेनेंस हो जाता है, रोज प्लांट बहुत हाई मेंटेनेंस हो जाता है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा हिबिस्कस बेटर प्लांट, बहुत अच्छा प्लांट है हिबिस्कस का। हिबिस्कस का एक प्लांट लेके आओ, उसको पहला केयर करने का सीखो, कंप्लीट केयर करने का सीखो, उसके बाद में ही दूसरे इसमें हाथ डालने का, नहीं तो दूसरा गुलाब का प्लांट ला के नहीं। ठीक है, और आने वाले टाइम में और अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा चैनल।